मैथ्स भी है। आज मैं आपको कराऊंगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन साइन वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स डी एक्स इवैल्यूएटेड। आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन होगा ये। इसको सॉल्व करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन ही मेरे चैनल मैथ बीबीएन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे और मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि मैक्सिमम लोगों को इससे बेनिफिट हो। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन साइन वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप टेंजेंट इनवर्स एक्स डी एक्स। यहां पर मैं ऐसे करूंगा, इसकी पावर वन है तो इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा वन प्लस मीन्स डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाऊंगा तो ये इसकी पावर नेगेटिव वन हो जाएगी। डिनोमिनेटर को मैंने न्यूमिनेटर बनाया तो इसकी पावर नेगेटिव हो गई। नाउ टेंजेंट इनवर्स एक्स डी एक्स कैन आई राइट इट इन दिस वे वन प्लस एक्स स्क्वायर दिस। मैंने इसको अगेन डिनोमिनेटर बना लिया बट फ्रैक्शन के ऊपर तो इसकी पावर वन पॉजिटिव हो जाएगी। Now we know that tangent inverse x जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास वो इक्वल होता है वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन डी ओवर डी एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स और नीचे भी टेंजेंट इनवर्स एक्स है। तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद तो हम देख सकते हैं लॉग ऑफ यही नीचे वाला फंक्शन प्लस सी। इन अदर वर्ड्स के हमें पता है कि पावर रूल ये रूल है कि अगर फ्रैक्शन ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव हो तो हम लॉग ऑफ ये फंक्शन लिख देते हैं। तो हमने इसको अपने ही माइंड को यूज करते हुए हमने इसको उस ऊपर डेरिवेटिव बना लिया और इसको हमने लॉग ऑफ दिस लिख दिया। ये था आज का क्वेश्चन। अगर इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो एम्बिग्विटी हो तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और मेरे चैनल मैथ्स बीबीएन को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह वेरी सून आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।